किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुदीना का मोहितो। उसके लिए ये पुदीना लिया मैंने, इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। पहले थोड़ा सा पुदीना लेकर, थोड़ा सा पुदीना मैंने डाल लिया इसमें, और ये छोटा छोटा नींबू काटा हुआ है, ये तीन आधे चार पांच पीस इसके छोटे नींबू के काट के इसको हम थोड़ी सी इसमें मैंने ये चाशनी बना रखी है, आप चाहें तो गुड़ की चाशनी बना के डाल सकते हैं। ये चार पांच चम्मच डालूंगी और इसको अच्छे से मडल कर लेंगे, नींबू को अच्छे से दबा दबा कर, ताकि उसका सारा फ्लेवर आ जाए इसमें। आपको नींबू और डालने तो और भी डाल सकते हैं, मैं एक दो पीस और डाल रही हूँ। एक नींबू को छोटे छोटे पीस करके आप डाल सकते हैं। ये देखिए हो गया, इसमें पुदीने को भी क्रश करना है। एक बार ये पुदीना है, इसको मैं थोड़ा पीस के लाऊंगी, सिर्फ पुदीने को। ये हमने पुदीने को थोड़ा सा मोटा मोटा सा पेस्ट बनाया है। अभी ग्लास लेंगे, इसमें हम सबसे पहले बर्फ डालेंगे। इसके बाद इसमें मैं ये पुदीना जो पीसा है ये डालूंगी थोड़ा सा। उसके साथ ही ये जो हमने मडल किया है नींबू और पुदीना और चाशनी को, इसको डाल देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, थोड़ा सा काला नमक डाला मैंने। थोड़ा सा ये लेमन जूस है, ये डालूंगी एक चम्मच। अब इसमें आप चाहें तो ठंडा पानी मिला सकते हैं। और चाहे आप थोड़े से सोडा मिला के पी सकते हैं। मैं इसमें सोडा मिला रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल ठंडा पानी डाल सकते हैं। अगर सोडा आपके पास है तो सोडा डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारा पुदीना मोहितो तैयार है। ये हमारा नींबू पुदीना मोहितो तैयार है। थैंक यू। सबसे पहले मोहितो बनाने के लिए हम अपने ग्लास को सजा लेंगे पुदीना मोहितो के लिए। इस पे मैंने नींबू का रस लगाया है और इस पे बूरा लगा सकते हैं आप या नमक लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम मोहितो बनाएंगे। हम ये लेमन स्लाइस लगा के इसके साथ ये स्ट्रॉ, ये हमारा पुदीना मोहितो तैयार है। थैंक यू।